हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब सिंप्लीफाई लाओ में आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इस सेशन में हम स्टडी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इसकी क्या कंसेप्ट है और उसकी जो इसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ये सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी के अंदर आता है और ये एक्ट इन एक्ट किया गया था फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइनटीन थर्टी चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर सबसे कॉन्ट्रैक्ट वेर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रोपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ सर्टन प्राइस देखिए ये जो सेल ऑफ़ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या होता है जो सेलर होता है वो जो अपनी प्रॉपर्टी है गुड्स के अंदर ठीक है गुड्स की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करता है और बदले में क्या लेता है एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्राइस बायर से लेता है तो यही कहा गया है कि द सेलर ट्रांसफ़र्स और आग्रीज टू ट्रांसफ़र एक तो ट्रांसफ़र करता है या फिर आग्री करता है ट्रांसफ़र करने के लिए द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ सर्टन प्राइस ओके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ वाइड टर्म एंड इट इंक्लूड्स सेल एंड आग्रीमेंट टू सेल देखिए इस डेफिनेशन में हमने देखा ट्रांसफर्स और आग्रीज टू तो ट्रांसफ़र यानी कि ये दो कंसेप्ट यहाँ पर अराइज होती हैं सेल की और आग्रीमेंट टू तो सेल की चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर सब सेक्शन थ्री वेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ सेल देखिए जब वो गुड्स की ओनरशिप हम ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है ये जो ओनरशिप है गुड्स की ये फ्रॉम द सेलर टू बायर ट्रांसफ़र होती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट तो इस ट्रांजैक्शन को बेसिकली क्या कहा जाएगा सेल कहा जाएगा बट वेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज़ टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट और इज़ टू बी मेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड एन अग्रीमेंट टू सेल अग्रीमेंट टू सेल कब होगा जब ये ओनरशिप जो है ये जो गुड्स की जो ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करने वाले हो किसी फ्यूचर डेट में ठीक है या फिर एक किसी कंडीशन को फुलफ़िल होने के बाद आप अगर ट्रांसफ़र करने वाले हो वो गुड्स उन गुड्स की ओनरशिप तो उसे कहा जाएगा एग्रीमेंट टू सेल यानी कि अगर आप अभी किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हो और बदले में बदले में उसके पैसे लेते हो तो यहाँ पे सेल क्या हो गया अकम्प्लीश्ड हो गया ठीक है आपको आपके पैसे मिल गए गुड्स ट्रांसफ़र हो गए उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई उन गुड्स का पोजिशन ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे सील जो है ये कम्प्लीट हो गया कम्प्लीट हो गया लेकिन ये ट्रांसफ़र जो है ठीक है गुड्स का ट्रांसफ़र हो या ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो तो ये किसी फ्यूचर डेट में होने वाला है आपने एग्री किया है कि आप किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफ़र करोगे या किसी कंडीशन के फुलफ़िलमेंट के बाद अगर ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल राइट right? चलिए आगे देखते हैं व्हेन द कंडीशन इन सच एग्रीमेंट हैज़ बीन फुलफिल्ड और द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ ऑकर्ड द एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल यानी कि आगे जाकर आपने ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र की या जो कंडीशन फुलफिल हो, फुलफ़िल होने की थी वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गई है और आपने जो अपने गुड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट टू तो सेल था ये क्या बन जाएगा सेल बन जाएगा ओके okay? चलिए फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखिए क्या क्या फीचर्स हैं काफ़ी सिमिलर फीचर्स होते हैं चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसके अंदर जो सिमिलर पॉइंट्स होते हैं जैसे वैलिड एग्रीमेंट ले लीजिए ठीक है कंसिड्रेशन ले लीजिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज का होना ये सिमिलर है तो चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ये जो इसेंशियल फीचर्स हैं ये आने ही आने हैं तो देखिए यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के सेल uh, में भी ये सिमिलर फीचर्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज गुड्स सब्जेक्ट मैटर है ना तो गुड्स प्राइस प्राइस होनी चाहिए एक तरह का किसी तरह का कंसिड्रेशन होना चाहिए ना वो है और फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं पहला है वैलिड एग्रीमेंट देखिए अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट शुड सैटिस्फाई ऑल द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी मिलने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार देने के लिए इन फॉलोइंग इसेंशल्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है क्या क्या है पहला तो है अ वैलिड ऑफर एक वैलिड ऑफर होनी ज़रूरी है उस वैलिड ऑफर को वैलिड एक्सेप्टेंस मिलना ज़रूरी है वैलिड ऑफर वैलिड एक्सेप्टेंस ये कैसा होता है फ्री कंसेंट से होता है किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए किसी तरह का कोवर्जन नहीं होना चाहिए फोर्सफुली किसी का एक्सेप्टेंस लिया नहीं जाना चाहिए तो ये होता है कहीं ना कहीं एक वैलिड एक्सेप्टेंस एक वैलिड ऑफर जिसके अंदर थर्ड देखिए इसेंशियल फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी ये होनी ज़रूरी है फोर्थ वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन कंसिडरेशन क्या होता है एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना ठीक है एक तरह का किसी तरह का कंसिड्रेशन होना है मतलब किसी कोई भी चीज़ ऐसे फ्री में नहीं होनी चाहिए आप अगर कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिल भी रहा होना चाहिए मैं अगर अपना मोबाइल किसी को आ, सेल कर रही हूँ तो उसके बदले उस मोबाइल के पैसे रिटर्न में मुझे मिलने बहुत ज़रूरी हैं तो एक तरह का कंसिड्रेशन कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है फिफ्थ देखिए पार्टीज़ मस्ट बी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं वो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होने ज़रूरी है ठीक है क्या क्या है कंपिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या क्या है एक तो वो पर्सन मेजर होना चाहिए ठीक है अठारह साल से नीचे का नहीं होना चाहिए दूसरा क्या होता है वो अनसाउंड माइंड वगैरह नहीं होना चाहिए साथ में लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए तो ये इसेंशियल्स हैं ठीक है किसी भी कॉन्ट्र पार्टी को कंपिटेंट बनाने के लिए ओके देखिए ला लास्ट वाला इसेंशियल uh, क्या है लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट या जिस मोटिव से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें किसी भी तरह की इलीगैलिटी या अनलॉफुल ऐसे नहीं होना चाहिए इट मस्ट बी राइट एंड इट मस्ट बी हम कह सकते हैं लॉफुल ओके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड देखिए दूसरा है टू पार्टीज okay? लाइक इन एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑल्सो हैज टू पार्टीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कौन होंगे एक बायर होगा और एक सेलर होगा द पर्सन हु बाई द गुड और मेक्स एन एग्रीमेंट टू बाय इज कॉल्ड बायर वेरी सिंपल और जो पर्सन गुड्स को सेल करता है या एग्रीमेंट टू सेल करता है वो होगा सेलर द टू पार्टीज दैट इज़ द बायर एंड द सेलर आर टू डिफरेंट पर्सन ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होने चाहिए और पर्सन ऑब्वियसली कैन नॉट बाय समथिंग फ्रॉम हिमसेल्फ यानी कि एक ही पर्सन है जो बायर भी खुद है और सेलर भी खुद है तो ये नहीं होना चाहिए दो डिफरेंट पार्टीज होनी ज़रूरी हैं लेकिन ये जो है इसके भी कुछ एक्सेप्शन्स हैं यानी कि देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू द रूल दैट द सेम पर्सन के नॉट बी बोथ एंड अ सेलर यानी कि एक इंसान बायर और सेलर ये दोनों भी नहीं हो सकता इसके कुछ एक्सेप्शन्स हैं यानी कि एक पर्सन बायर और सेलर हो सकता है इन एक्सेप्शंस में इन इस मतलब इन पॉइंट्स के अंदर देखिए वेर अ पर्सन गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ही मे हिमसेल्फ बाय देम यानी कि अगर पर्सन के गुड किसी के एग्जीक्यूशन uh, में सोल्ड किए गए हैं तो डिग्री के अंदर ठीक है तो वो क्या हो सकता है वो हिमसेल्फ बाय कर सकता है पार्ट ओनर कैन सेल हिज शेयर टू द अदर पार्ट ओनर सो हैज टू मेक द अदर पार्ट ओनर द सोल ओनर ऑफ द गुड्स फॉर एग्जांपल अगर कुछ गुड्स हैं हमारे पास ठीक है उन गुड्स में आधा हिस्सा यानी आधी ओनरशिप उन आधी गुड्स की मेरे पास है और आधी ओनरशिप उन गुड्स की मेरी बहन के पास है तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ मैं पार्ट ओनर हूँ ना तो मैं अपने जो हिस्से की जो गुड्स हैं अपनी जो हिस्से गुड्स की ओनरशिप है आधी वो मैं अपनी बहन को अगर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया या सेल कर दिया तो यहाँ पर ये यह मुमकिन है कि मैं सेलर भी हूँ और मैं बाया भी हूँ अ पार्ट ओनर कैन सेल हिज शेयर टू दी अदर पार्ट ओनर क्यों उस दूसरे पार्ट ओनर को फुल यानी सोल ओनर बनाने के लिए ओके थर्ड देखिए वेर अ पॉनी सेल्स द गुड्स प्लेस्ड विथ हिम ऑन नॉन पेमेंट ऑफ बिल मनी द पॉनर हिमसेल्फ बाय सच गुड्स यानी कि जो पौनी है जिसके पास गुड्स प्लेज प्लेज किए गए हैं जिसके पास गुड्स रखे गए हैं और नॉन पेमेंट ऑफ बिल पर वो पौनर के मतलब जो पौनर है वो क्या कर सकता है मतलब यहाँ पे मैं आपको पहले प्लेज की डेफ़िनेशन बता देती हूँ आपको पता होगा लेकिन जिन्हें पता नहीं है उन्हें पता चल जाए कि गुड्स uh, की मतलब एक uh, हम कह सकते हैं मूवेबल गुड्स होते हैं जो सिक्योरिटी के तौर पर रखे जाते हैं और बदले में कुछ पैसे लिए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना गोल्ड uh, किसी के पास रख रही हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपना गोल्ड क्या कर रही हूँ किसी के पास रख रही हूँ प्लेज कर रही हूँ और उसके बदले में क्या कर रही हूँ थोड़े से पैसे ले रही हूँ तो यहाँ पे ये हो गया प्लेज तो यहाँ पे अगर मैंने अगर उसकी जो मेरा जो डेट है वो पे नहीं किया ठीक है उन लोन जो मैंने लोन लिया था उसके पैसे नहीं पे किए तो यहाँ पे मेरे जो गुड्स हैं यानी कि जो मेरा गोल्ड है जिसके पास मैंने रखा है वो गोल्ड वो क्या कर सकता है पौनी बेच सकता है तो यहाँ पे इस ट्रांज़ैक्शन में जो पॉनर है जिसने वो गुड्स पौनी के पास रखे हैं वो खुद भी क्या कर सकता है उन्हें बाय कर सकता है ओके देखिए फोर्थ है अ पार्टनर में ऑल्सो बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर एंड अ वाइस वर्सा यानी कि किसी फर्म का पार्टनर किसी फर्म का शेयर होल्डर वो क्या कर सकता है खुद भी उस फर्म से किसी गुड्स को बाय कर सकता है या फिर वाइस वर्सा बदले में जो फर्म है वो भी पार्टनर की तरफ से पार्टनर के पास से कोई गुड्स क्या कर सकती है बाय कर सकती है ओके फिफ्थ देखिए इन केस देर इज़ अ सेल बाय ऑक्शन द सेलर में रिजर्व राइट ऑफ मेकिंग अ बिड एट द ऑक्शन एंड मे दस परचेस ओन गुड्स यानी सेल हो रहा है बाय ऑक्शन तो सेलर जो है अपना राइट ऑफ मेकिंग बिड ये रिजर्व करके रख सकता है और अपने गुड्स खुद ही बाय कर सकता है परचेस कर सकता है ओके okay, तो ये थे इसके एक्सेप्शंस थर्ड देखिए इसेंशियल फीचर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज इसशियल इन द गुड्स ये गुड्स क्या होते हैं कि सब्जेक्ट मैटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ठीक क्योंकि इन्हीं का तो ट्रांसफर हो रहा है इन्हीं का तो ट्रांजेक्शन हो रहा है देखिए एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर दैन द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी और क्या इंक्लूड करता है स्टॉक्स इंक्लूड करता है शेयर्स इंक्लूड करता है ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास ट्रीज़ एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड ठीक है ऐसे कोई थिंग्स ऐसी कोई चीज़ें जो कि लैंड से अटैच्ड हैं लैंड का एक पार्ट फॉर्म करती हैं जो कि लैंड से सेपरेटेड भी हो सकती हैं सेपरेट भी हो सकती हैं तो ये क्या हो सकती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ सकती हैं ठीक है तो ये गुड्स uh, के अंदर आया जाता है एंशंट और जो रेयर कॉइंट्स थे ना वो भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं एज अ गुड्स ओवे एग्जाम्पल देखिए कुर्र वर्सेज टिम्बर ऑपरेटर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स लिमिटेड वेर द ट्रीज वर सोल्ड सो दैट दे वो बी कट आउट और सेपरेट किए जा सके फ्रॉम द लैंड एंड टेकन अवे बाई दायर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर सेल ऑफ ट्रीज एज अबल गुड्स तो ये ट्रीज जो हैं ये अटैच्ड होते हैं ना लैंड को तो ये क्या किए जा सकते हैं कट आउट किए जा सकते हैं लैंड से सेपरेट किए जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं और बायर उन्हें ले भी जा सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा हुआ एक मूवेबल गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ फॉर द सेल ऑफ ट्रीज ओके अब देखिए फोर्थ है प्राइस गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड फॉर गुड्स हमेशा प्राइस के लिए बेचे जाते हैं देर मस्ट बी अंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड देशन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर जो कंसिडरेशन की बात की गई है वो प्राइस के बारे में वो मनी के बारे में बात की गई है इन वर्ड इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ठीक है द गुड्स जो है मस्ट बी ध्यान से देखिए द गुड्स मस्ट बी एक्सचेंज फॉर मनी ओनले ओके सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स यानी कि एक गुड्स के बदले में अगर हम गुड्स ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा वो बार्टर हो जाएगा एंड इज़ नॉट डीम्ड टू बी अ सेल ओवे लेकिन इस केस में अलरिज वर्सेज जॉनसन के केस में ये हेल्थ किया गया कि एक ट्रांजेक्शन जिसमें जो ट्रांजेक्शन है वो पार्टली फॉर मनी एंड पार्टली फॉर गुड्स हैं वो भी सेल माना जा सकता है ठीक है यानी किसी चीज के बदले में आधा हम मनी ले रहे हैं और आधा हम गुड्स ले रहे हैं तो वो भी सेल माना जाएगा इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए देखिए एक टेलीविजन कंपनी है या फिर एक टीवी स्टोर है आप कह है सकते हैं जो एक नई टीवी सप्लाई कर रहा है ऑफ नाइन थाउजेंड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टी एंड रुपीज इन कैश यानी कि ये ओल्ड मतलब जो न्यू टी है वो सोल कर सेल कर रहा है और उसके बदले में पाँच हजार रुपए और एक ओल्ड टी ऐसे ले रहा है तो इट्स अ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टली गुड्स और पार्टली मनी क्या है ओके देखिए फिफ्थ एंड द लास्ट इसेंशियल फीचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये इसेंशियल है कि ओनरशिप ऑफ गुड्स है ना वो ट्रांसफर की जाए फ्रॉम द सेलर

एंड इफ़ द ट्रांसफर इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट अगर वो ट्रांसफर जो है आगे किसी फ्यूचर डेट में होने वाला है तो वो हो जाएगा अग्रीमेंट टू सेल तो ये थे इसके पाँच इसेंशियल्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे हमने इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या है ये देखा साथ ही में जो सेल और अग्रीमेंट ऑफ़ सेल इन दोनों के कंसेप्ट क्या है इन दोनों का फंडा क्या है बेसिकली इन्हें स्टडी किया और इनके इसेंशियल फीचर्स देख लीजिए आई होप आपको समझ आया होगा किसी भी तरह का डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस चैनल के बारे में अगर आपको किसी भी तरह की वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में uh, बोल सकते हैं आई ट्राई टू मेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच प्लीज़ स्टे यून